चेतावनी। आप जो ये देख रहे हैं ये प्रशिक्षित भूत शिकारी द्वारा किया गया है। घर पर इसे कोशिश ना करें। ये गिरोह डरावनी विचार से प्रभावित है। और भी चीजें हैं स्वर्ग और पृथ्वी की तुलना में जिसे हम सपने में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ कोई है? कोई है जो मुझे सुन सकता है? बस इधर उधर के नासमझी के रूप में जो शुरू हुआ था बस इस गिरोह ने इसे गंभीर व्यवसाय बना लिया। आज अभी से मैं किसी के जीवन का जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। मेरे पास एक गिफ्ट है, मुझे बुलाते हैं ब्राजीलियन चीको जेवियर। मुझे यकीन है कि एक हाथ है। दुर्भाग्यवश मैं बंदूक खरीद के एक भूत को गोली नहीं मार सकता, इसलिए मैंने कुछ इस तरीके का निफ्टी गैजेट्स बनाया है। किसी ताकतवर घोष ने ही ऐसा कुछ किया होगा और ये बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। अगर तुम घोष हो, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। दोस्ती की ताकत ने उन्हें अज्ञात का सामना करने का साहस दिया है और साथ वो साबित करेंगे कि भूत होते हैं और खत्म करने की जरूरत होती है उन्हें। हम Ghostbusters! इस हफ्ते हम एक स्पूकी कॉफी को विजिट करने वाले हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक ऐसी जगह जो बहुत डरावनी है। ये एक लटकी हुई आत्मा है, वे बहुत रोते हैं क्योंकि आंसू गीले हैं। ये एक गुलामों का खेत था। नहीं, ये एक कॉफी फार्म था। वो, क्या तुमने सुना? वो वहाँ से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। हे भगवान। वो क्या तुम देख पा रहे जो मैं देख पा रहा हूँ? क्या घोल बस्टर शापित आत्मा का भंडा फोड़ कर सकते हैं? कॉफी फार्म के भूत का, जहाँ भूतों का जमावड़ा है। हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जो कि पूरी भूतों से भरी हुई है, लेकिन मैं हमेशा ये चीज खाते रहता हूँ ताकि भूत मेरे पास ना आए। ये बहुत स्वादिष्ट है। हे भगवान। ए डरपोक कहीं के, तुम उस ओल्ड लेडी को क्यों डरा रहे हो जो कि कुछ ही महीनों में शायद भगवान को प्यारी होने वाली है? सामने आओ, मैं तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। उसे मदद की जरूरत है। उसको मदद की जरूरत नहीं है, वो डर जाएगा। ये ले, ये खा कमीने। हाय अंकल। क्या तुम रोज हेलो नहीं बोलते? कब तक तुम उस पागलों के साथ खिलवाड़ करते रहोगे? क्या कह रहे हो अंकल, वो मेरे दोस्त हैं। दोस्त? वो तो धोखेबाज। तुम्हें सब कुछ अपने आप ही अपना काम करना चाहिए। सॉरी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है। अब सुनो, उस बैल के बारे में जो मेरे ऊपर गिरा था। हाँ, बहुत बार। तो अब चुप रहो, मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा। तो मैं वहाँ था, इस बैल को पाने की कोशिश कर रहा था जब से मैंने उनके साथ काम किया था, और फिर बैल आ गया और मेरे ऊपर गिर गया था। मैं कैसे बच सकता था? बैल बहुत भारी था, इसलिए मैंने अपने पेशकश से उसे उछाला और उसके खाल में छेद हो गया, उसकी तीसरी और पांचवी पसलियों के बीच, और मैंने उसके बीच से रास्ता बनाया। सुना तुमने? नहीं नहीं, ब्लड देख के मैं बीमार हो जाता हूँ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आप खुद नहीं देख सकते, लेकिन आप में बहुत ज्यादा दम है उन जोकरों को घर लाने के लिए। हम जिस टीवी के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। कौन सा चैनल? वो उन्होंने आपको बताया नहीं? शायद आपका फालतू का टीवी चैनल होगा। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने ग्राहकों का सम्मान करता हूँ। ये एक आदमी का काम है, मैं जानता हूँ। मैं हमेशा चीजों को सावधानी के साथ मैनेज करता रहा हूँ। और अभी अपने दोस्तों को एक बात बता दो। आप जानते हैं कि मैं आप सभी लोगों का क्या करूंगा अगर आप बता दूंगा। बता दूंगा उन्हें, बता दूंगा। या तो कहां भाग रहे हो? मैं बता दूंगा उन्हें, बताया आपको। हे भगवान, मैं अपनी बॉडी को खोना नहीं चाहता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे रुक जा मेरे बाप। अंकल ने मुझे अभी अभी बताया है कि अगर तुम लोगों ने इस मंथ का किराया अभी तुरंत नहीं दिया ना, तो वो तुम तीनों को मार डालेंगे, वो भी चाकू से। तुम्हें लगता है ये सब बकवास चीजें मैं टीवी स्टेशन पर दिखाता अगर मेरे पास पैसे होते तो? ऐसा लगता है कि ये कभी बढ़ने नहीं वाला। हमारे चैनल को मोनेटाइजेशन भी नहीं मिल रहा और अपने व्यूज भी बहुत कम है। पता नहीं क्या हो रहा है। हमारा लास्ट व्यूज 12,000 बस इतना ही। ये मैरिक्स चीक को देखो, 1.5 मिलियन व्यूज। ये कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ गेम्स खेलती रहती है। क्या हम भी ट्राई करें? क्या हम भी गेम प्ले वीडियोस बनाएं भूतों के ऊपर? वो शायद मौजूद नहीं है और ना ही करते हैं। क्या बात कर रही हो तुम? क्या तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है? हमें अपने व्यूअर्स के साथ इवॉल्व होना पड़ेगा और वही करना पड़ेगा जो उनको पसंद आ रहा है। लेट्स गेट सोफिस्टिकेटेड। इसी तरह ये चीज तुम लोग देख रहे हो, मैं इस बेबी को प्रेशियस एक्सो गनलेट्स कहता हूँ। मैं निशाना खुद ही तय करता हूँ और जिस भी रेंज में चाहूँ मैं इसे शूट कर सकता हूँ। आराम से आराम से।
देखने में लगता है कि ये तुमने ही बनाया है। इसमें एक कूलिंग फंक्शन भी है, इस बटन को दबाओ वो कूल हो जाएगा। हमारा नया वाला वीडियो चेक करो, लेजेंडरी थानोस ने 20 बार हेट मेमेस भेजे हैं, समझे तुम लोग? चलो देखते हैं। मैं इससे नफरत करता हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये एक ओल्ड स्कूल आदमी है जो अभी भी बेसबॉल कैप पहनता होगा, इंटरनेट की दुनिया से दूर होगा और एक बहुत बड़ा लूजर होगा। लेकिन उसके कुछ कमेंट अच्छे होते हैं, जैसे हमारे लोगों के बारे में उसने कुछ कहा है, देखो हमारे लोगों में भूत पिए हुए जैसे दिखते हैं, इसलिए तो वो इतने कूल है। मैंने एक नया लोगो तैयार किया है, काम कर रहा है, जरा इसे देखो तो। इज इट सीरियस? ये और क्या कह रहे हैं? इसमें खास बात ये है कि इसमें एक लड़की है, वो भी बिना कपड़ों वाली। बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। हाँ, बच्चे तो बच्चे हैं। हमें जल्द से जल्द उस पायलट को बेच के पैसा बनाना पड़ेगा। बहुत जल्द हमें कॉल आने वाला है जो हमारी लाइफ को चेंज कर देगा। काश ये हो जाए। देखा, मैं कह रही थी ना। अब क्या कोई फोन उठाएगा? मैं बात करता हूँ। फोन उठाओ, जल्दी उठाओ। बात करो, क्या कह रहा है? घोल भस्टर्स बोल रहे हैं। हाँ हाँ, देखो बात कर रहे हैं। देखते हैं। हाँ हाँ, देखते हैं। कौन था? क्या तुम्हें पता नहीं क्या? चुप करो पागल। वो पूछ रहा था कि तुम कसाई की दुकान से बोल रहे हो क्या? तो हमने कहा हाँ। तो उसने कहा कि एक गाय तुम्हारी खिड़की पे खड़ी है। ऐसे हंसा और फोन काट दिया। ये तो कातिल था। उसने नरक कर दिया। चला चल के खाना खाते। यस, खाना खाने के बाद एक अलग ही ताकत आती है। और आज तो ट्यूजडे है, मतलब कुछ स्पेशल होने वाला है। लेकिन ट्यूजडे की तरह क्यों लग रहा है? चलो चलते हैं। हेलो, मैं प्रधानाचार्य नोगिरा हूँ, आइजैक न्यूटन हाई से। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, कृपया मुझे वापस कॉल करें। गोल्सबस्टर स्पीकिंग। यहाँ की पार्किंग बहुत अच्छी है। तुमने सही कहा। तो आप लोग वो हैं जो नकल करते हैं घोस्ट बस्टर्स का, है ना? हम किसी की नकल नहीं करते हैं। नहीं नहीं। स्टॉप साइन में भूत के बारे में क्या? महोदय, वो भूत नहीं है, वो सिर्फ एक आत्मा है। क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या है, बता बता बता। इसमें कुछ अलग नहीं है। मैं तुम्हें फर्क समझाता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि घोस्ट बस्टर के पास एक घोस्ट होता है जो नो पार्किंग साइन को भी तोड़ सकता है, और हमारे पास तो यील्ड साइन भी है। देखो देखो देखो, ये देखो ये देखो। तो आप भूतों का शिकार करते हैं लेकिन भूतों के आगे झुक जाते हो। ये किसका बेवकूफी वाला आइडिया? वो तो ऐसे ही हम लोग। नो, चलो। तुम इससे सहमत नहीं हो सकते हो, मैं विश्वास भी नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी दोस्त, मेरे स्कूल में अलाउ नहीं है। मेरे स्कूल में नहीं। पहले जहां मैं रहता था हम उसे कॉटन गर्ल कहते थे, यहां आप उसे ब्लडी मैरी के नाम से जानते हैं। ब्लडी मैरी नाम कोई मायने नहीं रखता, आत्मा वही है, एक सताई हुई दुखियारी। उसे बुलाने के लिए आपको बस 3 बार दस्तक देनी है, 3 बार फ्लश करें और उसका असली नाम 3 बार पुकारें और वो प्रकट होती है। हाँ, वो दिखाई देती है, बाथरूम के शीशे में दिखाई देती है। सुनहरे बाल, उसके नथुने में रुई। हमारे एक स्टूडेंट्स ने उसे बुलाया था, यही इसी स्कूल में, और उसने श्राप दे दिया। क्या आपको टेप पर मिला? चूलियो, तुमने क्या रिकॉर्ड किया? नो। अरे, तुमने पहले नहीं कहा था मुझसे? चूलियो यार। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, उधर देखो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बंद कर दो उसके। पहले हम बिजनेस की बात करते हैं। हमारे एक स्टूडेंट को दौरा पड़ा उस बाथरूम में, अब वो कोमा में है।
ये बात चारों ओर फैल गई और हमें चिंता होने लगी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई साधारण कोमा है। मुझे सच में उस बाथरूम से एक अलग ही एनर्जी अनुभव हुई। आप भी तो उसी स्टूडेंट्स बाथरूम का प्रयोग करते हैं ना? इसलिए अफवाहें फैल गई। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है कि स्कूल में एक भूतिया लड़की है, रूई से भरी हुई वो लड़की जो बाथरूम में है। और हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? मेरा एक स्टूडेंट है जो आपके चैनल का बहुत बड़ा फैन है। हाँ, हमारे बहुत फैन है। हाँ, पर हमारे स्कूल में सिर्फ एक ही है। दरअसल बात यह है कि उसने सबको राजी किया और ये पिटीशन दिया है, और वो ये चाहता है कि आप लोग सब मिलकर ब्लडी मैरी को मार डाले। इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तो आप लोग अपनी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। स्कूल के हौसले को बुलंद कीजिए, आप लोग दर्द कम कीजिए उन बच्चों का जो आईसीयू में है। आपको इतना आसान नहीं समझना चाहिए प्रिंसिपल नागोरिया। उसने मेरे नाम का अनुमान लगाया था पर मैंने उसे नहीं बताया। उनके नाम के प्लेट डेस्क पर है। क्या प्लेट? हाँ, मैंने ये भी नहीं देखा कि उसके पास एक नेम प्लेट है। देखिए, हमारा काम बहुत सीरियस है। देखिए, हमारा काम बहुत गंभीर है क्योंकि हम डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स है। खैर, आप क्या चाहते हैं कि हम क्या करें? ये आसान है। स्कूल के प्रांगण में जाओ, कुछ तस्वीरें ले लो, बच्चों को ऑटोग्राफ दे दो और हस्ताक्षर करो और सबको बता दो कि तुमने उस भूत को मार दिया। हमारा काम आसान नहीं है। जैसे कि जो डॉक्टर होता है सिर्फ चिट्ठी लिखकर अपने पेशेंट को दे देता है। हाँ, यार, उसको कुछ बोलो यार, समझा। मैं बात कर रहा हूँ, रुको। हमारे पास कितना बचा? पिछले साल के जून पार्टी से हमारे पास कितना बचा है? तकरीबन 1000 bucks। अच्छा, चलो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 1000 की जगह पे 1500 रुपए कर लेते हैं, ठीक है? ए भाई, हम चार। अरे तू रुकना यार, उनको बात करने देना। 1500 मुझे लगता है कि डील नहीं। यार, तुम लोग समझने की कोशिश करो, हम इतने कम पैसे में काम नहीं करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों की आत्माओं का सवाल है, क्या तुम उसकी कीमत लगाओगे? अब बोलो। 40,000। क्या? 40,000? 40,000। क्या तुम लोग पागल हो गए हो? इतने पैसे में तो मैं किसी और अच्छे को बुला सकता। आप ये समझ लीजिए कि मैं अपनी ओरिजिनल फीस आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। हम जो यंत्र यूज करेंगे मैं उसकी फीस बता रहा हूँ आपको। स्पेशल सोल की फीस, रात को रहने की फीस, सारी रात हमको यहाँ रुकना पड़ेगा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपको पता है। लेकिन मैं इतने पैसे पे राजी नहीं हो सकता। नो। अगर चोर स्कूल में घुस आए तो आप पुलिस को बुलाते हैं। अगर स्कूल में आग लग जाए तो आप फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। अगर किसी प्रोफेसर की तबीयत खराब हो जाए तो आप डॉक्टर को फोन करते हैं 90210। लेकिन सुपर नेचुरल के बारे में खर्च करने में आपको नानी याद आ जाती है। नो कंसेशन, 40,000 और नो डील। तुम बेवकूफ हो, वो 15,000 हमारे कुछ काम में आते हैं। इस बकवास के लिए इतना पागल होने की जरूरत नहीं है। ये है ही पागल। अगर स्टीव जॉब का दिमाग तुम्हारे जैसा होता तो पता नहीं क्या होता। ये मैं हमेशा सोचता हूं। क्या वो सेलफोन इन्वेंट नहीं कर पाता? दरअसल तुमने कोई आविष्कार नहीं किया। आविष्कार किया है। पता नहीं क्या होगा, मैं बहुत टेंशन में। अरे अरे घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। बस वो एक, ये बस एक फूड पॉइजनिंग का मामला है और हमारे कैफेटेरिया के खाने से ये सब हो गया। क्योंकि हम सब भूतों पर विश्वास करते हैं, मैं भी विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं स्वच्छता निरीक्षण पर ध्यान दूंगा और आप लोग को नियुक्त कर लिया गया है। अब हम ये काम करेंगे 80,000 में। 1500 40,000 1500 15,000 15,000। डील मंजूर। मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए, सुबह 7 बजे हम उस दरवाजे पर मिलेंगे। बच्चों के माता पिता के साथ हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और वहां बताएंगे कि ये ब्लडी मैरी ना कॉटन गर्ल है, ना कोई शैतान है, ना कुछ भी नहीं है वो। समझ गया? मैं अभी उस टीचर से मिला है, वो बहुत खूबसूरत है, एकदम हॉट। क्या हमारे साथ वो रह सकती है? जरूर। और वो हमारा सुरक्षा गार्ड भी। जूते का साइज 15 है। और बाकी सब कुछ स्कूल पे छोड़ दो। स्कूल स्वच्छ भी है और व्यवस्थित भी है। अन्यथा मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगा आपका और आपके नन्हे दोस्तों का परिचय आप खुद कराएं उस शैतान से। वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपके इस स्कूल को मेरे घर जैसा ट्रीट करूंगा। ठीक है। तुम लोग भी अपना सामान निकालो। मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड, मैं आ ही रहा हूँ। प्लान को शुरू करते हैं। तुमने उस अजीब शैडो को कब देखा था और कहाँ देखा था? टीचर से बात करके सबूत ढूंढेगा। तुलियो, तुम मिरर पर प्रोजेक्टर ऑन करोगे। जब सब रेडी हो जाए तो मुझे इत्तला कर देना। यस। मैं टीचर को बाथरूम के अंदर लेके जाऊंगा। जैसे वो डरेगी हम लोग वहां से भाग जाएंगे। उसके बाद हम लोग हॉन्टेड हॉल में जाएंगे, भूत को ढूंढेंगे और मैं उससे लड़ूंगा।
मैं अपना एक्सोरे गनलेट उसके सर पर एम करके फायर करूंगा। ले अब इसको खा कुतिया कमीनी। वाह क्या घटिया प्लान है, ये सब करके तुम क्या साबित कर रहे हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता। हमेशा कोई प्लान करते हैं और वो खराब ही होते हैं। मैं लीडर हूँ तो ये सब मुझे देखने दो, तुम चुप रहो। सो प्लान ऐसा है कि जैक पहले प्रोजेक्टर को ऑन करेगा और जब सब रेडी होगा तब मैं आ जाऊंगा और मैं वो टीचर को लेकर बाथरूम जाऊंगा। वो एकदम से डर जाएगी और हम लोग भाग जाएंगे। फिर उसके बाद मैं उस हॉन्टेड हॉल में जाऊंगा जहाँ पे भूत है और मैं उन सबसे सामना करूंगा और हम हमारी रिकॉर्डिंग टीवी पर बेचेंगे और फेमस हो जाएंगे। तो फिर मैं कहाँ पे हूँ? ये जाके तुम भूतों से पूछो। एकदम बेकार प्लान है, इससे भूत तो क्या इंसान भी नहीं पकड़े जाएंगे, उल्टा तुम सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में अंदर हो जाओगे। किसे फर्क पड़ता है? हम क्यों नहीं साबित करने की कोशिश करते कि घोस्ट यहाँ पे है? सीरियसली? क्योंकि हम ये पिछले 20 साल से करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक जिसने भी घोस्ट को सीरियसली लिया है वो हमारी तरह ही खत्म हो गया है। इसीलिए हमें इस केस को बहुत अलग तरीके से सॉल्व करना होगा, बहुत ही अलग तरीके से। दोस्तों जब तक वो हमें मिलता है तब तक हम ये अपने दोस्तों के साथ करना चाहिए, यही हमारी पहली शुरुआत होगी। हमारी दोस्ती की शक्ति से हम किसी भी चीज को फेस कर सकते हैं, है ना? कितना अच्छा है ये, एक साथ रह के हम संसार के सामने ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भूत हैं, बस जरूरत है तो उन्हें पकड़ने की। हाँ मैं तो ये कब से तुम्हें देने की कोशिश कर रहा था, जब से हमें टीवी चैनल ने हायर किया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसे पायलट के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्या बात है, एक नंबर। ये यूनिफॉर्म हमारा है? ये मैं क्या देख रहा हूँ जैक्सन, अगर तुम्हारे पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे थे तो मेरे अंकल का रेंट क्यों नहीं दिया तुमने अब तक, बताओगे तो मुझे? मेरे भाई तेरा तुझे रेंट मिल जाएगा, समझा? हे भगवान। अरे मैंने ये सब उधार लेके किया है यार, और उसने उधार दिया है जिसको मुझ पे बहुत ज्यादा भरोसा है यार। अब मैं उस बैल के लिए पैसे कैसे लाऊं? हाँ ये तो अच्छा है, इसमें हम कूल दिखाई पड़ रहे हैं पहले से ज्यादा। क्या इसमें से मेरे लिए भी है? हाँ हाँ तेरे लिए भी यूनिफॉर्म है मेरे भाई। बहुत मजा आएगा आज तो। हाँ ये ले। ये क्या है? नहीं फिर से मैं भूत नहीं बनने वाला यार। तो उसमें क्या हुआ, तुम हमारे लिए इतनी से भी मदद नहीं कर सकते? ये बकवास है, वो मात्र 13 साल की लड़की का भूत है, तुम समझ रहे हो? और मैं दाढ़ी वाला 30 साल का आदमी। बात तो सही बोल रहा है यार, 13 साल की लड़की की दाढ़ी कहाँ से आएगी। सच में। ये ले। हाँ, तो अभी हम लोग सब लोग सेम पेज पे है, क्या बात? नहीं मैं तैयार नहीं हूँ। मजाक कर रहे हो, मैं ये बकवास कपड़े नहीं पहनने वाली। अगर मुझे अपनी बॉडी दिखानी होती तो मैं पहले ये सब पहनती, ना कि तुम्हारे साथ भूतों को फॉलो करती। बाहर में जा, जो पहनना है पहनो। क्या मैं जो चाहूँ पहन सकता हूँ? नहीं। भूतों वाली आंटी या भूतों वाली दीदी? हाँ टेस्टिंग साउंड 1 2 3 ओके ओके टेस्टिंग। कितने पागल लोग हैं। ए तुम कोई भी हो, कॉटन गर्ल और ब्लडी मैरी, ये एक सिर्फ मिथ है, लेकिन वो सारी चीजें इससे पहले जो हुई है इस स्कूल में, वो सारी चीजें रियल होने वाली है और इसको हम पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। क्या ये सच में यहाँ पे कुछ है? अगर आप में दम है तो हमारे साथ बने रहिए। क्या तुम मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करोगे अभी? एक्चुअली मैं उस टीचर को इंटरव्यू लेने का सोच रहा था और वो आप हैं। दरअसल प्रिंसिपल ने कहा कि रात भर मैं आप लोगों के साथ रहूं। आ, आ,
हे भगवान। अच्छा है भगवान, तुम भगवान को मानते हो? तो तुमने अब तक दाढ़ी नहीं बनाई? नहीं, मुझे सच में दाढ़ी बनानी है, इसलिए मैं शीशा खोज रहा था, लेकिन कैमरा काफी दूर है, उसमें मैं दिखा नहीं पाऊंगा। 13 साल की लड़की की दाढ़ी होती है क्या? तो 13 साल की लड़की का डिग भी नहीं होता। चुपचाप दाढ़ी निकाल दो। ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे है, ये एक्स देख रहे हैं आप, इसे बहुत सारे गुनहगारों ने यूज किया है और पता नहीं कितने लोगों को मारा भी है, और पता चला है कि जितने भी लोग मरे हैं वो सारे भूत हैं। और ये सिर्फ एक्स नहीं है, इसका रहस्य कुछ और है। ये बहुत डरावनी है और हिला देने वाली भी। वीडियो को एंड तक देखें और लाइक बटन को स्मैश करिए। लाइक 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 लाइक। अगर लाइक नहीं किया तो इसी एक्शन को लड़की बहुत डरावनी है ना? ये वही है जो बेवकूफ किशोर पसंद करते हैं, पागल पर न जाने कितने यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं। क्या ये लोग इन भयानक चीजों को अच्छे से शूट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, वो चार बेवकूफ है, एक डरावनी फिल्म बनाना। टीचर्स के लॉज में वो कॉमेडियन भी नहीं है, इसमें से एक भी असली अभिनेता नहीं है। जरा देखो तो, वो इसे एक ही स्थान पर शूट करते रहते हैं। इससे क्या होगा, खाली शूट करते रहेंगे, अपलोड करते रहेंगे, बस यूं ही। कम से कम प्रिंसिपल तो हमें पे कर रहे हैं। उन्होंने स्टेटमेंट देने के लिए रुकने वाले को बोनस देने का वादा किया है। मुझे डर है कि मैं बेवकूफ ना बन जाऊं। मैं भी बिल्कुल नहीं करता, हम तो सिर्फ सबूत दे रहे हैं, इसलिए हम बेकार बैठे हैं। भले ही वो बकवास क्यों ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही लोग कहते हैं कि डरावनी फिल्मों में हमेशा से ही फॉग से भरे हुए डरावनी दृश्य होते हैं। जैक, क्या तुम सुन रहे हो? मैं यहाँ पे मिस हेलिना के साथ हूँ टॉयलेट के पास, मुझे इनकी कुछ जरूरी स्टेटमेंट्स भी लेनी है। मिसेस हेलेना को तुम एंटरटेन करना बंद करो, खूबसूरत लड़की के बजाय तुम ये कुतिया के पीछे घूम रहे हो। सुनो, तुम उसको दूर हटाओ, तब तक मैं ये प्रोजेक्टर ठीक करता हूँ। तुम उसको यहाँ मत लाना, मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा था तुम्हारा प्लान घटिया है। अरे पागल हो गए हैं क्या? पता नहीं मेरे स्कूल में क्या कर रहे हैं। बहुत जोर के लग गई, मैं कर लूंगा, मैं खुद से कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। Uh.
जैक, मुझे पता नहीं तुमने क्या किया है, लेकिन मेरी यहाँ पे फटी पड़ी है। भाई तुम जल्दी आओ, कहाँ पे हो तुम? मैं इनको क्लासरूम में लेके जा रहा हूँ। सब ठीक है, डोंट वरी। सिर्फ इस कैमरा को मेरे तरफ पॉइंट करो। उन्होंने कहा था कि ब्लडी मेरी सिर्फ बाथरूम में अपीयर होती है, लेकिन उसका प्रेजेंस मैंने यहाँ पे भी देखा, ये सच बात है। कम कम, लगता है वो शांत हो गई है। वो क्या था? शुरू, चुप रहो। तुम्हें कुछ सुनाई दिया? आ जाओ। आवाजें मत करो। अच्छा। भूतों को आवाजें पसंद नहीं है। चुप रहो। देखो, यहाँ रहती है ब्लडी मैरी। ऐसा कुछ इंसिडेंट ये पहली बार इस टीवी शो पर दिखाया जाने वाला है। चुप रह कर मेरे साथ चलो, समझे? ये डरावना है ना? यहाँ पे खून भी है। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे किसी को डराना नहीं है। क्या आप लोगों ने देखा? तुम्हें पता है हमने किस चीज को कैप्चर किया है? क्या तुमने देखा है? मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। तुमने तो कमाल कर दिया भाई, तुमने तो रॉक कर दिया। वो टीवी की डील हमारे बैग में है भाई। अब ये किस तरह का बेहुदा मजाक है? लाइट चली गई इसलिए मैं अपनी दाढ़ी नहीं बना पाया, ये देख रहे हो? तो फिर इस तरह के कपड़े क्यों पहने हो? तुम रहने दो, मैं इसे समझा दूंगा। वहाँ पे कोई भूत नहीं था, वहाँ पे टूलियो था। तुमने जो देखा है, वो तुमने भूत नहीं देखा, वो टूलियो है। ये सिर्फ डरावनी कहानी बना रहे हैं। अरे मैं नहीं हूँ। कितनी अच्छी तरीके से जा रहा है, तुम बीच में मत बोलो। बात की गंभीरता को समझ नहीं रहे हो यार। हमने वहाँ जो देखा वो इस दुनिया का नहीं है। अरे वो टूलियो था। अरे मैं उस रूम में नहीं था। कैरोलिनी, वो हमेशा हमारे प्रोग्राम्स को चुराने में लगी रहती है। चलो हम ही करते हैं। हाँ चलो, मैं तो लड़कियों के ड्रेस में चल भी नहीं पा रहा हूँ। हाँ, तुम देख रहे हो ना मेरी हालत क्या चल रहा है। हे भगवान, आज मुझे बचा लेना। हे भगवान, आज मुझे बचा लेना। आज मेरी रक्षा कर लेना। हे भगवान, आज मुझे बचा लेना। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। अरे तुमने मुझे डरा ही दिया था। जैक, वो सब सही था, लेकिन मैं इसे रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, समझे? लेकिन मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूं। निकलना पड़ेगा, अभी निकलना होगा, जल्दी। Hey, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सब लोग यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। कैरोलिनी, ये फिर से सब बिगाड़ने के लिए आ गई। इसने हमारा काम नीचे भी बिगाड़ा, अब ये ऊपर भी आ गई है। देख रहे हो तुम? क्या तुमने टीम वर्क का नाम सुना नहीं है क्या? हम एक टीम है, बट वो हमेशा क्यों शो ऑफ करती रहती है? पता नहीं मुझे। पहले थोड़ा सा परफॉर्मेंस करो, पहले उसे रिकॉर्ड करो और फिर इसे एडिट करो और फिर जाओ। ए, टुलियो, तुम उससे काफी बेहतर थे। ये कितना फेक है। बस ये ऐसे 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 चलने में थोड़ी ना भूत बन जाएंगे। ऐसे करके तो मैं भी भूत बन जाऊंगा। जब तक कि सामने वाला नहीं डरे, तो हम कैसे समझ सकते कि वो भूत है? और ऐसे ऐसे करके क्या होगा? हाँ, मुझे पता है कि मेरी एक्टिंग बहुत गंदी है। चलो, बकवास बातें बहुत हो गई, अब काम की बातें करते हैं। Thank you.
खून। क्या तुमने भी सुना? ये इलाका ऐसा ही है, जब बारिश होती है पुराने पाए बंद हो जाते हैं, कलियां वापस बहती हैं, तारों से रोशनी झपकती है, गटर से कीड़े रेंगते हैं। ये नर्क है, ये नर्क। क्या बकवास है, अगर ये हॉरर मूवी होती तो किसी के मरने का चांस होता। इन लोगों के साथ मुझे शक है, वो शायद करेंगे। उनके लिए हॉरर फिल्मों में से एक है जहाँ कोई अचानक किसी के कंधे को छूता है सिर्फ सस्ते डर के लिए। जो कि और तुम उनके साथ क्यों नहीं हो? उन्होंने हमें यहीं रुकने को कहा। कॉलन कहाँ है? शायद उनके साथ ही है। दरवाजा खोलने में मेरी मदद करो। चलो, किसी का कॉल नहीं लगा पा रही हो, क्या करें? सिग्नल नहीं है। किसे बुलाना चाहती हो? घोस्टबस्टर को? बाहर निकलने का कोई और रास्ता है? चलो 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 भागो। रुको, मेरे स्कूल में बिल्कुल भी गोलीबारी नहीं होगी, और यहाँ पे जितनी भी चीजें टूटी है मैं उन सब के पैसे तुमसे लूंगा। प्रिंसिपल प्लीज, अब मेरी बात सुनिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैरोलिन को क्या हुआ है। आप खुद जाकर देखिए कि उसको क्या हुआ है। क्या ये कैरोलिनी है? नहीं 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 नहीं, अरे कैसी फनी ड्रेस पहनी है इसने, यहाँ पे क्या मजाक चल रहा है? अगर इसने अपने आप को कैरोलिना कहा तो मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से। अच्छा चलो, मैं फिर भी मान लेता हूँ कि ये कैरोलिना है। कैरोलिना उठो, उठो कैरोलिना, उठो उठो, अब उठ भी जाओ, जल्दी उठो। दोस्त का सर यही ब्लास्ट हो गया, अभी यही। तो तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि सिर्फ एक सर के कारण इतने सारे खून बह गए? हम लोग सच कह रहे हैं। बड़ा सर है। सुनो, मैं हमेशा से कहता था कि ये लोग जोकर है और मैं एक टीचर हूँ, लेकिन तुम तो उधर बॉडी थी। हमने शूट भी किया है, हमने सवारी बात भी सुनी है, कौन है इस वीडियो में देखिए आपने नहीं सब, कोई और शूटिंग नहीं। 30 मिनट, मैं चाहता हूँ कि ये स्कूल 30 मिनट के अंदर साफ हो जाए, समझ रहे हो तुम लोग? बिल्कुल साफ, नहीं तो मैं पुलिस को फोन करूंगा। कैरोलिन का सर फट गया और वो मर गई। अरे अपने आप मर गई, संभालो संभालो अपने आप। ब्लाजी मैरी कहाँ? मैंने उसे यही देखा था, वो सच में थी, वो आईने से भाग गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मालूम है हमें क्या करना चाहिए? हम उस बाथरूम में जाना चाहिए जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, समझ रहे हो तुम मेरी बात को? जहाँ से ये सब शुरू हुआ था वहीं से खत्म हो गया। चल यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, तुम सुनो इस बार। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो वहाँ वापस चली जाएगी जहाँ से वो आई थी, समझ रहे हो तुम? और फिर हम भी चले जाएंगे और ये बात बहुत क्लियर है। यही है ना, यही ना सबसे बकवास आइडिया है, ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना है। अगर तुमने कुछ अनसुना सा सुना होता ना तो तुम्हें लगता कि ये सही है। उफ।
हेलो। हाँ, 7 दिन। फालतू की बात मत करो और इसे लपेटो। तुमने मेरे स्कूल में गड़बड़ी कर दी है। मैं कल सफाई सेवा को कॉल कर रहा हूँ और उसके पैसे भी मैं तुमसे ही लूंगा, समझ रहे हो? बहुत हो गया दुष्टों के पुत्र, शैतान का बच्चा, भाड़ में जाओ तुम लोग। मैं बंदूक उधार लेने जा रहा हूँ और मैं सीधे तुम लोगों के चेहरे पे गोली मारूंगा, वो भी मेरे ऑफिस से। मुझे किसी भी हालत में वो कैमरा प्रिंसिपल ऑफिस से लेना ही होगा। भाड़ में जाए वो कैमरा। तुम यहाँ काम करती हो, एग्जिट कहाँ है? ऐसा करते हैं, खिड़की से ही कूद जाते। और कोई रास्ता है बाहर जाने और का? कोई रास्ता नहीं है। तो कहाँ जा सकते? एक लड़के ने कोशिश की थी खिड़की से कूदने की, देखो उसकी क्या हालत हुई। इसके नीचे का तो ऊपर गर्दन तक आ गया। ये तो इसका अंग इसके छाती से झूल रहा है। तुमने इस भयानक स्टूडेंट की पिक्चरें ली है? नहीं, लगता है डरा। किसी ने टीचर्स चैट ग्रुप में इसे शेयर किया था, मैं इस तरह की तस्वीरें नहीं खींची। ये रहस्य बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा हम हॉरर मूवीज में देखते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सारे लोग मारे जाते हैं। और हमारे पास कोई हॉट चिक भी नहीं है। याद आया, एक दरवाजा है बाहर जाने का जो रिनोवेशन के बाद बना है। मुझे नहीं पता क्योंकि रिनोवेशन होने के बाद मैंने यहाँ ज्वाइन किया, मुझे कैसे पता? हमारे ग्रुप में सब बेवकूफ ही हैं। बाहर जा सकते हैं लेकिन बाहर जाने का रास्ता इनको नहीं पता। इस पुराने मंजिल का पूरा प्लान प्रिंसिपल के ऑफिस में उनके कैबिनेट में है, शायद वो हमारे काम आ जाए। बहुत बहुत अच्छी बात है, चलो 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 जल्दी जाकर कैमरा लेकर आते हैं। चलो जल्दी चलो। क्या प्रिंसिपल लॉर्ड जूरिया अभी अभी मर गए? ध्यान से, मुझे लगा इस रूम में खून की बारिश हुई है। हाँ, ध्यान से, उसे एड्स भी हो सकता है। हम लोगों का क्या होगा? देख रहे हो, ये असली खून है। ब्लडी मेरी की आत्मा यहाँ पे असली में है। वो बाथरूम से भाग गई और अभी लोगों को मार रही है। हम यहाँ मरने वाले हैं और तुम यहाँ वीडियो शूट कर रहे हो। अगर हम मर गए और लोगों को पता चला कि कैसे मरे तो हम फेमस हो जाएंगे। निकलने का रास्ता ढूंढो। कुछ मिला क्या? नक्शा? नहीं, हमारा पेमेंट। क्या मैं भी ईमानदार हूँ यार? दोस्तों, अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जैसा फिल्मों में पागल लोग करते हैं हम वैसा बिल्कुल नहीं करने वाले, समझ रहे हो मेरी बात को? कि हम सब अलग होकर ये खोजने लगे कि आवाज कहां से आई, ये कभी काम नहीं करता, हमें एक साथ रहना होगा। दोस्तों, जैक्सन, ए चलो चलो। वो प्रिंसिपल है क्या?
अरे सुनो, मैंने ढूंढ लिया, मुझे नक्शा मिल गया। ये देखो। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। मैं मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्रिसमस के पहले। अरे हेल्प करो फ्रेंड, मेरी हेल्प करो, इस हेचाइयों के खिलाड़ों से मेरी हेल्प करो। अरे 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 यार, उसको बचाओ 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 जैक्सन, हेल्प कर मेरी। अरे ये मुझे मार डालेगा। जैक्सन मेरी हेल्प कर। अरे जैक्सन छोड़ दे बच्चा यार। अरे ये क्या, अरे तू तो नक्शा भी ले गया। अरे यार मुझे बचा ले, ये मुझे मारने जा रहा है। अरे ये मुझे मार डालेगा। क्या हम लोग मर जाएंगे, बोलो। बिल्कुल भी नहीं, मैं इस टीम का लीडर हूँ और मैं किसी को भी कुछ होने नहीं दूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब क्या हो रहा है, और मैं भी डर गया हूँ। मैं तो बस चाहता था कि मेरा एक टीवी शो हो। फ्रेड, इसमें मेरी गलती है। मैं यहाँ पे भूत को पकड़ने क्यों आया जो हमें मारने वाला था? उससे अच्छा तो मैं कहीं और चैनल में लग के अपना काम कर लेता, उससे मुझे दो पैसे तो मिल जाते। क्या होगा? अरे कोई बचाओ, अरे बचाओ, अरे ये, अरे ये मुझे मार डालेगा। मसेलो इंसान, तुमने गंदी ड्रेस पहनी है। तुम्हें पता है जब मैं एक बच्चा था
मैंने कभी भी भूतों के पीछे नहीं देखे हैं। मैं इससे बहुत डरता था क्योंकि मैं बच्चा था। मेरी भी जिंदगी शायद बदल सी गई है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी नहीं करती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि हम सच में मरने वाले हैं? शायद ये हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो। तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? हाँ, तुम तो नेपाली हो लेकिन तुम्हारा बाल तो लाल है, ये क्या कॉम्बिनेशन है? क्या तुम हिरोशिमा में पैदा हुए हो? तुम बहुत गलत समय पे बाहर आ गए बेटा, तुम नहीं जानते यहाँ क्या चल रहा है। तुम यहाँ अकेले हो कि तुम्हारे साथ कोई और भी है? अरे यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो, बोलो ना। मैं तुम्हारा बिगेस्ट फैन हूँ, मेरा नाम थॉनस है और मैं तुम्हारे हर वीडियो को कॉमेंट करता हूँ। लेजेंडरी थॉनस, आई हेट यू। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं यहाँ आने की गलती नहीं करता, समझे तुम? तो फिर प्लान क्या है? हमारे पास ये प्लान है, देखो ये प्लान है तुम्हारे लिए, ये देखो ये घंटा, ये तुम्हारे आंखों में डाल के आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। अरे प्लान यहाँ से बाहर निकलने का है। तुमने पहले ही देरी कर दी, लेडी मेरी को तुम बाथरूम में ढूंढोगे? अब वो सिर्फ बाथरूम में नहीं है दोस्त, वो पूरे स्कूल में फैल चुकी है। मेरे ख्याल से किसी पागल ने उसे आईने से बाहर निकाल दिया है, पता नहीं वो कौन सा बेवकूफ था। खैर छोड़ो, तुम्हारे पास हमेशा एक प्लान रहता है, क्या तुम्हारे पास अभी कोई प्लान है? तुम अपने हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो सब बातें तुम भूल जाओ, वो सब बातें पुरानी हैं। अब टुलियो घोष नहीं है। तुम चुप क्यों नहीं? टुलियो कौन है? तुम क्या देख रहे हो? बाहर निकलने का रास्ता, बिकॉज मेन एग्जिट बंद है। मेरी मम्मी ने बताया था कि लाइब्रेरी में उनके जमाने में बहुत लोग होते थे, हो सकता है वो उनमें से एक। मैं देखता हूँ, ये क्या है? ये है एग्जिट, यहाँ है लाइब्रेरी, पता चल गया। क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? जब हम इस रूम से निकल जाएं, बंद कर देना, अपना मुंह बंद रखना, एकदम बंद, और दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। मैंने कहा ना तुम्हें चुप रहने के लिए। हम लाइब्रेरी की तरफ जाएंगे, उसके लिए हमें हथियार ढूंढना पड़ेगा। क्या कभी तुम्हारे साथ कभी ऐसे किसी ने किया है? कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत मैक सिखाती थी ना, ये लो। तुम नरक में जाओ फ्रेंड। Yeah!
में लाओ। अरे बच्चे कुछ कर, कर सकता अरे बच्चे। कुछ भी कर, एक फायर हैंगर ढूंढ, एक पिल्स ढूंढ, कुछ भी कर। क्या तुमने ये देखा? मिरर ने उसे मार दिया। मुझे लगता है कि ब्लडी मेरी मिरर से बाहर निकल चुकी है और ये मिरर ही उसे सिर्फ मार सकता है। ये कांच के टुकड़े ही उन भूतों को मारने के लिए हथियार हैं। ये बहुत जरूरी था, अच्छा किया तुमने। और ये पहले ही मर चुका है। मैं बाय डिफॉल्ट भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। ब्लडी मेरी वो जिंदा है, वो सच में जिंदा है। उसे टच मत करो। क्या बकवास है? मैं भूखा हूँ। जानता था। कैरोलिन का सर फट गया और बहुत खून बाहर आ रही है। अभी बताता हूँ। क्या तुम पागल हो? रात को बच्चे को लाए स्कूल में? मैं उस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं प्रिंसिपल को अभी बुलाता हूँ। अभी बताता हूँ। छोड़। हेलो, क्या तुमने स्कूल के फोन को काट दिया? मैं खून से नहाया हुआ हूँ और तुम्हें स्कूल की फोन लाइन के विषय में पढ़िए। बेवकूफ, पागल हो तुम? ब्लडी मेरी हम सबको मार डालेगी। ब्लडी मेरी हो तो वो मुझे मारने जा रही है। अपना जाल बंद करो। चुप, अपना जाल बंद करो, समझा? अभी तुम्हें बताता हूँ, चुपचाप यही रहो। वो तुम्हें मार डालेगी। अभी जाके
ब्लडी मैरी से निपटता हूँ। मैं ठीक करके आता हूँ। मुझे जाने दो। मैं जा रहा हूँ, ठीक करके आता हूँ। पर पहले मुझे और कुछ चीजों का ध्यान रखना है। बाहर लेकर चलो। वो हमारे बारे में भूल गए। क्या उन्होंने हमसे नहीं पूछा इस मजाक का हिस्सा बनने के लिए? अगर ये एक हॉरर मूवी होती तो ऐसी कैरेक्टर्स का कोई मतलब ही नहीं है, जो कुछ एक्स्ट्रा मौत और खून को जोड़ने के लिए डाले गए हैं। सही, कुछ मौत और खून को जोड़ने के लिए, लेकिन उन फिल्मों में उन पात्रों के मरने से पहले या तो ड्रग्स या सेक्स करते हैं। लेकिन मैं तो कोई ड्रग्स नहीं लाई। या सेक्स करना? हाँ, तब मुझे लगता है कि हम सब बच जाएंगे। मैं देखती हूँ प्रिंसिपल से बात करके। ठीक है, मैं अभी आई। हम यहाँ तक आ गए तो बाहर भी निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। चलो, टूली को करके क्या हुआ? टूली अब नहीं रहा और ये सिर्फ तुम्हारी गलती है। तुमने उसे पीछे छोड़ दिया था। मिस हेलेना भाग गई है, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना था। वो इनोसेंट बास्टर्ड थी। अगर वो इनोसेंट बास्टर्ड है तो तुम लकी हो, क्योंकि तुम मुझे मिल ही नहीं रहे थे। एग्जिट जरूर कहीं आसपास ही है। मैंने बताया था वो लाइब्रेरी है। मैंने कहा था ये लाइब्रेरी के पास है। चलो, वहां सिर्फ बुक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लाइब्रेरी है। Bloody Mary, वो क्या बकवास है? शिट! आज नहीं मिस्टर कंदे, आज नहीं। यहां से बाहर जाना है। मुझे यहां से बाहर जाना है। अभी कभी, अभी कभी, अभी मुझे बाहर जाना है। हम यहां से बाहर कैसे? यही तो मैंने कहा था जब मैं आया था। मैंने अभी अभी एक घटिया चीज देखी। मुझे किसी चीज की स्मेल आ रही है। दोस्त, तुम ये शॉटगन स्कूल में क्या करने के लिए रखते हो, बताओगे मुझे? तुम इस स्कूल को नहीं जानते हो? हाँ, मैं करूंगा, ये रेगुलर स्कूल है। आप सही कह रहे हैं, मैं अपने चचेरे भाई के लिए छिपा रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए। क्या तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, समझे? अब चलो। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा दोस्त ठीक होगा। वैसे तुम्हें ये लड़का कहाँ मिला? वो मेरा दोस्त नहीं है। आई हेट हिम। वो क्यों? ही इज अ लेजेंडरी थानोस। क्या? या तुम भी किसी गधे से कम नहीं हो। वो बच्चा नहीं, तुम गधे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बुरे होगे। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं पूरे एक हफ्ते जंगल में जिंदा रहा हूँ, वो भी अपनी यूरिन पी के। हाँ हाँ, पर तुमने खाया क्या? जो तुम सुबह सुबह करते हो। क्या अभी तुम्हें कोई शक है? इसके करीब कोई नहीं जाएगा, ये एक भूत है। मुझे क्या हो गया था? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? नहीं, कुछ भी याद नहीं है। जो हमारे बीच हुआ वो भी नहीं?
अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिस हेलेना यहाँ पर है। हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मिस्टर हेलेना हमारे साथ है, सब ठीक हो जाएगा, है ना हेलेन जी? बंद करो ये बकवास, रास्ता ढूंढो। मिस हेलेना आप बुरा मत मानना, और एक मिनट रुकिए, आप यहाँ बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए, आराम से बैठ जाइए। क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं। है तो आगे का प्लान क्या है? ये क्या है? ये एक बलून है, क्या देख नहीं रहे हो कि एक कॉन्डम है? तुमने उसके साथ? उसमें आत्मा आई थी, मैंने तो उसकी ले ली। ब्लडी मैरी, एक 10 साल की लड़की है, नाबालिग के साथ दुष्कर्म? क्या वो सच में 10 साल की है? वो तो 100 साल से भी ज्यादा लग रही है, पिछली सेंचुरी की है वो तो। वो मर चुकी है, बकवास बंद करो तुम। मुझे पता है ब्लडी मैरी उसमें जिंदा थी। कहां पर हूं? कहां गई थी मैं? अगर मैं तुम्हारी उम्र का रहता और टीचर कुछ ऐसी रहती तो मैं करता ही, मैं ये नहीं देखता कि वो एक बुड्ढी है। तो तुमने मिस हेलेना का बलात्कार किया और ब्लडी मैरी का भी एक ही साथ? सही बोल रहा है। तो ये त्रिसम था? एग्जैक्टली। ये सब तुम्हें कैसे पता है? ए सुन, जाके इसे कचरे के डिब्बे में डाल। कितना गंदा है। ये सब क्या है? ये एक रोल है मेरी कहानी का, एक मामूली कैरेक्टर के लिए मुझे लिया, बहुत ही घटिया जगह पर, एक अजीबो गरीब मौत, पागल कहीं गए। आ जाओ, जो तुमने किया है मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ, आ जाओ। बस बस, हम लोग अब बाहर आ गए, हम लोग बाहर आ गए। और Oh.
ये सब क्या? क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? अब मुझे याद आने लगा है थोड़ा थोड़ा। ये देखो, बाहर निकलने का रास्ता दीवार में ही कहीं है। इस साइड ढूंढो। नहीं चलो ये करते हैं। चलो एक सेकंड, बाहर जाने का रास्ता यहाँ से है। गुड जॉब थॉमस। ऑफ कोर्स तुम्हें पता होगा, तुमने देखा ही होगा। गाइस, ऐसा लग रहा है कि उस छोटी सी बच्ची के साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसके लिए ये हाँ, सब उसके साथ गलत काम हुआ है। वो लड़की अंदर से बहुत अच्छी होगी, वो कैरोलिना का दिमाग साफ करने में मदद कर रही होगी। सारे स्टूडेंट्स उलझे हुए हैं, मेरा कर्तव्य है उनकी मदद करना। अच्छा तो तुम उसकी मदद कर रही थी? हाँ। तो एक काम करो ना, ये बुकशेल्फ को हटाने में मदद करो ताकि हम बाहर निकल सके। अरे यार ये तो ब्लॉक है, इसे लो और रिकॉर्ड करो। ये अपने घर में कभी नहीं करना। क्या तुम मूर्ख हो? क्या तुम्हें लगता था कि ये लात मारने से टूट जाएगा? हा? अब हम नहीं निकल सकते हैं, हमें ब्लडी मेरी से लड़ना होगा। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। एक टीचर के लिए और एक एशियन किड के लिए तुम लोग डम हो क्या? तुम्हें लगता नहीं कि हम लोग एक पैरानॉर्मल हंटर्स हैं? ये सब हमारे लिए एक मामूली सी बात है। ऐसे बोल रहे हो कि हमने कभी घोस्ट को फेस ही नहीं किया? क्या कभी तुमने जाके यूट्यूब पे हमारा चैनल देखा है? कितने सारे मिलियन व्यूज है उस पे। इसे तुम्हें फिल्म करने को किसने कहा? इसमें आने से पहले मैंने बिग ब्रदर में भी ट्राई किया था, और उतना ही नहीं डीजे एमएमए फाइटर इसमें भी ट्राई किया था। यार झूठ मत बोलो, एमएमए फाइटर तुम नहीं थे कभी भी। और यदि तुमने ये किया तो कैटरीना तुम्हें छोड़ेगी नहीं। कैटरीना? कैटरीना कौन है? ब्लडी मेरी का रियल नेम है। ये बात तुम्हें कैसे पता है? हर कोई ब्लडी मेरी का उपयोग करता है जब वे उसे बुलाते हैं, पर मैं नहीं। मैंने पूजा ठीक से की है इसलिए वो दिखाई देती है मुझे। तुमने नियम का अच्छे से पालन किया। ये तुम्हें कहां से मिला? और फिर वहां बैल आ गया था और मेरे ऊपर गिर गया था। मैं कैसे बच सकता था? बैल बहुत भारी था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे उठाऊं, क्या करता मैं। इसलिए मैंने अपने पेशकश से उसे उछाला और उसके खाल में छेद हो गया। देखते हैं इसमें क्या है। पुराने न्यूज़पेपर्स और भूतों के बारे में पढ़ने के लिए तुम यहीं आते हो क्या? हाँ नहीं, असल में मैं आया तो ये दिखा। ये सारी चीजें तुम पॉर्न पे क्यों नहीं देखते? आप हो नेट पर पॉर्न वीडियो क्यों नहीं देखते हैं? इसीलिए तुम कैरोलिना के बड़े बूब्स देखते रहते हो ना, गंदे बच्चे। ये छोड़ के क्या हम कुछ काम की बातें कर ले? इसमें कुछ हो सकता है जो हमें बाहर निकलने में मदद कर सकता है। तुम लोग मुझे मौत के सामने छोड़ आए थे। टुलियो, हमें मारने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली भाई। दोस्त
मेरे दोस्त बाहर की तरफ भागे और मुझे छोड़ दिया। मैं सही कह रहा हूँ ना? मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैं तो जाके पुलिस को लेकर आने वाला था तुम्हें बचाने के लिए। और पुलिस क्या करेगी? हाँ, भूत को हथकड़ी लगाएगी या उसके सर में गोली मारेगी? अरे गोली पार हो गई, मेरी की बॉडी की गोली पार हो गई, मैंने इन्हीं अपनी आंखों से देखा है। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है इस बंदूक से मैं तुम लोगों को मार सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गोली है, उससे मैं तुम्हें ही मारूंगा। समझ रहे हो ना? काम डाउन टूलियो मेरे भाई, काम डाउन। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मुझे वहां मरने के लिए छोड़ गए, ऐसा ही है ना? है ना? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि मैंने क्या कुछ झेला है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और वो सांड, मैं तो बिल्कुल मर ही गया था उस सांड से भिड़ते भिड़ते, जिसके जूते भी 15 नंबर के थे। घूम कर बैठ जाओ तुम सब। देखो ये जो भी हो रहा है इसे रिकॉर्ड कर हम जल्दी ही आमिर बनने वाले हैं। अच्छा, तो अब मैं कैमरे पे आने के लिए अच्छा हो गया। नरक में मिलते हैं दोस्त। एक्चुअली हम चाहते हैं कि तुम अभी हमारे साथ आ जाओ, राइट? हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम अभी रियल गोल्ड बस्टर लग रहे हो, है ना? है ना? है ना? बताओ बताओ। क्या क्या मुझे भी तुम यूनिफॉर्म दोगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और मैं दोबारा कभी भूत के कपड़े नहीं पहनूंगा ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहता ही नहीं था, ये तो कैरोलिन का आइडिया था, उसी ने तुम्हें भूत के कपड़े पहनाए थे। टूलियो तुम फेमस होने वाले हो, तुम्हें यूनिफॉर्म मिलेगा गोल्ड बस्टर्स के लोगों के साथ। चुपे, ये नाम मुझे कष्ट देता है। ये गोल्ड बस्टर्स की तरह चीप महसूस होता है, और वो लोगों भी जो किसी पागल इंसान ने बना के रख दिया है। लेकिन वो मेरा है। जो भी हुआ हम उसे बदल देंगे, और वही लोगो होगा जो मैंने डिजाइन किया है। ये मेरे पास है। ये रहा, और आज से यही लोगो इस्तेमाल होगा, समझे तुम लोग? देख लो इसे, अपनी यूनिफॉर्म में चिपका लो, यूनिफॉर्म पे लगा लो। आई एम सॉरी मेरे भाई, लेकिन ये तो घोस्ट क्लब का लोगो है। ये लोगो घोस्ट को उत्तेजित करेगी, जबकि उत्तेजित तो हमें रहना चाहिए, क्यों दोस्तों? ये गंदगी से बेहतर है जो तुमने बनाई। अरे ये तो KFC के नाम पे बॉयल चिकन खिलाने की बात हो गई। अरे KFC का रेसिपी और बॉयल चिकन की रेसिपी दोनों अलग होती है, क्यों दोस्तों? इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसे चिपकाओ जल्दी जल्दी। मैं इसे चिपका नहीं सकता। कान के खून का इस्तेमाल करके चिपकाओ उसे जल्दी। ये इंसान का गोद है, और अब मैं अपनी इस कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ। ये पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मान जाओ भी, मान जाओ। उसने ये पाने के लिए काफी मेहनत की है, समझे? अगर तुम लोग चाहो मैं तुम लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ कि टीम लीडर बन जाऊंगा। तुम बंदूक पकड़ने वाले आदमी बन सकते, वो इससे भी ज्यादा कूल है। जो भी हो, तुमने लोगो बहुत अच्छा बनाया है, और तुमने नाम भी बहुत ही अच्छा रखा है, और मुझे बहुत पसंद आया। ये लौंडा कौन है जो कुछ ऐसे बोल रहा है जैसे प्रचार कर रहा है? इससे तो मैं बहुत नफरत करता हूँ। मैं भी। शूट कर दो इसे। नहीं, मेरे नहीं, पास सिर्फ एक गोली है और अरे निशाना इसका सर। अरे बच्चे चुपचाप खड़े रहे बच्चे। मत मारो, मत मारो बच्चे को। मुझसे नहीं होगा। मैं भूतों को मारने वाला हूँ, मैं जिंदों को नहीं मार सकता, मैं सिर्फ मुर्दों को मार सकता हूँ। ये मुझे दे दो। और कट। मैं समझ गया, वो मुझे कभी गोली नहीं मार सकता, क्योंकि उसमें गोली मारने की हिम्मत ही नहीं है। तुम ये बंदूक दूर रखो। हाँ सही बात है, मैंने ये सब प्लान किया था, समझे तुम लोग? हे हे, एक लीडर की तरह मैं बताऊंगा कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है? बाथरूम में जाओ और सभी पारंपरिक चीजें फिर से करनी पड़ेंगी, समझे तुम लोग? हम यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। न्यूज़पेपर कहाँ है, यहाँ लाओ। आओ देखते हैं। 1975 में स्कूल के मेले में अंडरटेकर जोस मेजिका ने ये बात कही है कि उसने एक सुनहरे बाल वाली लड़की से बात की है। वो भूतनी स्कूल के बाथरूम में दिखती है। ये सारे शब्द कैटरीना के हैं। कैटरीना मतलब सुनहरे बालों वाली लड़की। उसने लिखा है कि मैं 13 साल की थी जब मैं इस नई स्कूल में आई। मुझे डर था कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। हमेशा ये सोचती थी कि वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मिल्की वे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया जाएगा। हर एक लड़की मेरी तरह बनना चाहती थी। वो मेरी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिन हुआ करते थे। सब कुछ बहुत बेहतर चल रहा था, लेकिन कुछ लड़कियां मुझसे बहुत जला करती थी। उन लड़कियों ने मेरे साथ जिस तरह से बर्ताव किया वो मैं बिल्कुल भी सह नहीं पाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी खूबसूरती मेरे विनाश के कारण हो सकते हैं। उनका कहना था कि मैं सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हूँ। उन लोगों ने ना जाने क्या क्या कहा मुझसे।
इतनी बुरी तरह से मेरी बेइज्जती की कि क्या बताऊं मैं। और मेरे साथ उन लड़कियों ने जो कुछ भी किया मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने तय किया कि मैं मर जाऊंगी। हमेशा के लिए। बेचारी लड़की के साथ। मैं मानता हूं अब हमें इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। बकवास बंद करो। मैंने क्या पढ़ा तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? उस बच्ची के साथ उन लड़कियों ने किस तरह का बुरा बर्ताव किया। अब वो तो बदला लेना चाहेगी ना, और उसे बदला लेने का पूरा हक है। मैं उसके साथ हूँ, बिल्कुल हूँ। क्या हमारे प्लान को खराब करने वाली थी और तुम्हें मारने भी वाली थी, इसलिए मैंने मार दिया। इसमें तो आत्मा थी ना, वो तो अब भी हो सकती है। और इसका सिर भी घूम नहीं रहा था। ठीक है, मैं सब समझ पा रहा हूँ। तू अपने गर्लफ्रेंड को बचाओगे? हाँ, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? बिल्कुल भी नहीं, हम बस ऐसे ही एक सिचुएशन में अटक गए थे और वहाँ पे हमारे बीच कुछ हो गया। मैं भी इस बच्चे के साथ रूम में फंसा हुआ था, लेकिन मैंने तो कुछ गलत नहीं किया इसके साथ, पूछो। और हमने चांस भी खो दिया। चूंकि मैं लीडर हूँ तो इसलिए मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि अभी क्या करना है। हम लोगों को यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, इस पे फोकस तुम बताओगे। हाँ, मुझे पता है, हम ये पूरी स्कूल को जला देते हैं और आग में एक भी भूत नहीं बच पाएगा। एक भूत? क्या तुम सब एक मिनट के लिए चुप हो सकते हो प्लीज, वरना मैं इस बच्चे को बाहर फेंक दूंगा और ब्लडी मैरी इसे खा जाएगी। और हम वेट करेंगे एक रेस्क्यू टीम का जो आकर हमारी जान बचा लेगी, राइट? तो क्या वो लोग हम लोग हैं? आप लोग कृपया शांत रहेंगे। मेरे पास एक प्लान है। बताओ क्या है? अब जानना चाहते हैं मेरा प्लान क्या है? ये योजना है मेरी तुम्हारे चेहरे पर, यही मेरी योजना है। तुम इसे पहनने के लायक नहीं हो, तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। तुम एक भूत किलर हो ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, समझे तुम? बुलेट मैरी की बॉडी के आर पार हो गई। मेरे पास एक प्लान है, हम वही करेंगे जो हम हर बार करते हैं। दिमाग से खेलोगे और सब कुछ बिगाड़ दोगे? क्या बच्चे की तरह रोना होगा? मेरे अंकल का रेंट दे रहे हो नहीं, क्या? अब हम वही करेंगे जो कैरोलीन ने करने के लिए कहा था, समझे तुम लोग? मैं एक हथियार बनाऊंगा। उसने ऐसा नहीं कहा था, उसने दोस्त बनाने को कहा था। अच्छे दोस्तों की बातें कही। हमें वो यंत्र बनाना पड़ेगा जो ब्लडी मैरी को मार सके, हमेशा हमेशा के लिए। जिस आईने से वो बाहर आई थी, मेरे पास उस आईने का एक छोटा सा टुकड़ा था जो मैंने खो दिया है, लेकिन पता नहीं लेना ही होगा मुझे वो। ये तुम्हें अपने पास रखने के लिए किसने कहा? टूल बॉक्स है तुम्हारे पास? टूल बॉक्स बाथरूम में जहाँ हम पहले गए थे। रुक जाओ, ये सब करने से पहले जो मैं सबसे अच्छा करता हूँ वो पहले करेंगे। लोग हमेशा कहते हैं कि हम भूतों को नहीं पकड़ पाए ना, लेकिन इस बार जो हम करने वाले हैं वो सबसे खतरनाक होने वाला है। इसे अभी हमने दिल पे ले लिया है, क्या करो या मरो। अभी हम किसी से भी डरने नहीं वाले हैं, समझे? हम हार नहीं मानने वाले हैं। हम हार नहीं मानेंगे, हम भूत हत्यारे हैं। ये मुझे दो। चुड़ैलों और शैतानों, हम तुम्हें खत्म करने आ रहे हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं उड़ रहा हूँ। Stop it! Stop! Hey! क्या हो रहा है? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले मुझे बचा लो यार, मैं तुम्हें मरने के लिए छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम एक फैमिली से ज्यादा है, हम दुख के हर एक पल में साथ है। ये रहा बाहर का रास्ता, मुझे जाने दे। क्या ये सच में डरावना है? तुम नहीं कर सकते, तुम्हें तो अभी क्लास खेलनी है। मुझे बचाओ।
बचाओ फ्रैंक, फ्रैंक बचाओ। नहीं यार, सब अच्छा होने वाला, सब अच्छा होने वाला। तुम कुत्ते की मौत मरने वाले हो। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ मुझे। मार दूंगा तुम्हें, तुम्हारे दोस्त को भी, दोस्त को भी। तू मेरा दोस्त है, मार, छोड़। मैं उसे मारते हुए तुम्हें देखना चाहता हूँ। मेरे दोस्त को छोड़ दे। मार दो। ये हमारा एक बार चांस है। मैं फंस गया, अपने आप को बचा लो। हम में से एक को मरना पड़ेगा। फिलिप, मार डालो उसे, मार डालो। इसके पहले कि मैं तुम्हें मारूं, मार डालो। जैक्सन खुद को बचाओ, जल्दी से मुझे मार डालो। जैक्सन खुद को बचा लो। शूट हिम, शूट करो उसे। ठीक है, मार दो मुझे, लेकिन तुम मेरे दोस्त को छोड़ दो। बहुत अच्छे, तुम तो हीरो हो। काश मैं इस सिचुएशन पे कुछ बोल पाता। सब कुछ खत्म हो चुका है, चलो। मैं हॉल का इंस्पेक्टर हूँ, तुम लोग कहाँ? मुझे धक्का देके कोई फायदा नहीं है। अरे ओ, छोटी सी बच्ची से उलझने का बड़ा शौक है तुम्हें? मेरा हो चुका है, अब तुम मार खाने वाले हो। Shut up. मैंने इस चीज को अपने हाथों से बनाया है। आज तुम्हारा अंतिम दिन है, तुम्हारा खात्मा करने के लिए। सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तुम भी खत्म। गुड बाय गर्ल। देखो तुम लोगों ने क्या किया इसके साथ, एक छोटी सी बच्ची की आत्मा को इस तरह से चोट पहुंचाई। तुम लोग राक्षस हो, राक्षस हो। चलो बच्चों, इसका जवाब दो।
कभी कभी कुछ आत्माएं जानवर बन जाती हैं। नहीं सकता है, समझ में आया तुम्हें? वो भी जिम्मेदारियों को छोड़कर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे दोस्त को मारा है? Welcome back to hell, Fred. मैं इसे फिल्म करे बिना नहीं जाने वाला। At least इसको बेचकर हम पैसे तो कमा ही सकते हैं, फ्रेड। अनिराग तक देखा, मैंने कहा था ना कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है, उसे रीतियों से ही वापस भेजा जा सकता है। ये मूवी 20 मिनट बड़ी हो सकती है, हम इसमें कुछ भी दिखा सकते हैं। ये क्या कैरोलिना का यूनिफॉर्म है? मैं दुनिया को बचा नहीं सकता बिना हीरो का यूनिफॉर्म पहने। अगली बार मैं एक आदमी का यूनिफॉर्म पहनूंगा। ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। सही बोल रहा है ये। हाँ, ये पागल बनाएगा। जैक्सन, उसे कुछ भी करके मिरर में देखना होगा। मुझे वो यंत्र तो ढूंढियो। इसे पकड़ के रखो। Ah!
बस चली गई, आप लोगों ने कर दिया। ओ मैंने कहा था ये 40,000 से कम का काम नहीं है। मैंने आपकी हेल्प की है, अब मैं आपके टीम का सदस्य हूँ। मुझे लगता है कि आप ये बात सबको बता दीजिए। चुप रहो लड़के, तुम हमारी टीम का हिस्सा नहीं हो। ऑफिशियल स्टेटमेंट घंटे से दूर जाओ, तुम हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। सुनो पब्लिक, अब मैं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देने वाला हूँ आप सभी लोगों को। अंदर जो खतरनाक भूत था ना, उसे हमने जान से मार दिया है। दुर्भाग्यवश इस पूरे काम के प्रोसेस में टीचर और प्रिंसिपल की जान चली गई है, वो मर चुके हैं। आराम से रहो, तुम्हारा स्कूल सेफ है और क्लासेस भी जल्द ही शुरू हो जाएंगी। ध्यान लगा के पढ़ो। अरे मार क्यों रहे हो कंबख्तो? तू चुप कर यार, तू कुछ सोच समझ के क्यों नहीं बोलता है? हाँ, तू हर किसी को खुश नहीं रख सकता है। तू अपना विग निकाल, अपना असली चेहरा तो दिखा। एक बात जानते हो, सबसे अच्छी बात यह है कि हम जिंदा हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हम कभी नहीं भुला सकते हैं। हाँ, कैरोलिन मर गई। तुमने जो कैमरा तोड़ा ना, वो उसमें मेरी सारे फुटेज थे, वो सब कुछ चले गए, सब कुछ। हाँ, हो भी सकता है। जब मैं जाने वाला था तो मैंने स्कूल के सिक्योरिटी कैमरा से फुटेज निकाल लिया था। टूलियो, तुम तो बहुत बड़े वाले निकले यार। अब देखते हैं कि कौन सा टीवी स्टेशन हमारा शो नहीं खरीदने वाला। अब ये देख जैकास। आखिरकार आपने ब्लडी मैरी को मिरर के अंदर भेज ही दिया। आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा इसके लिए। हम आपका ये वीडियो जरूर देखेंगे जिसमें आप बकवास को खत्म करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप उसे अनजाने में सुनेंगे तो आप पाएंगे कि वो जेन्युइन है। तुमने अल्ट्रेजा रिगोर राइटिंग का थीम घोस्ट किलर सॉन्ग सुना है क्या? हाँ, मैंने इस तरह का सॉन्ग नहीं सुना है जैसा कि तुमने सुन रखा है। अरे आप यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते, ये आपका शो नहीं है, तो कृपया ऐसी हरकत ना करें। एकदम से मैंने चाकू निकाला और उसके पीट पे मारा। वो एकदम कमाल, मैंने शॉटगन लिया, उसकी आंखों में देखा और थर 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 करके मैंने फायर कर दिया और वो वहीं ढेर हो गई। आप इतना बेतुका कैसे हो सकते हैं? ये कैसे कह सकते हैं आप? नहीं 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 नहीं, यहाँ स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है। चाहे कुछ भी हो, इन लोगों ने उस लड़के को तो बचाया। थैंक यू। केवल एक चीज अधिक सता रही है भूतों की तुलना में उनका भी नहीं। ओके, रेड घोष किलर से पार्टी छोड़ते नजर आ रहे हैं एक गर्म बूढ़ी के साथ। आप देखते रहे, आप भूत के शिकारी हैं। आपने भूतों से लड़ाई की, आपने ब्लडी मैरी से लड़ाई की, उसके लिए आपको हुर्रा मिल रहा है। एक भूत हथियारे के लिए नए मामले में। घोल और घोष्ट एकदम बिल्कुल एक जैसे हैं। एक बात है, हाँ ये बात मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं। हाँ ये मैं जानता हूँ। देखना है कि वो मेरा भतीजा और उसके दोस्त है। अद्भुत, वो उस बेकरू में शुरू हुए, मैंने उन्हें पूरा सहयोग दिया, हमेशा उसकी मदद की है और कितना भी मदद मांगा मैंने उसकी दिया है जियो जान से। आपका आने के लिए यहाँ शुक्रिया, ये लीजिए अपना सामान।
इसे अलग से जांच पड़ताल किया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है। स्कूल मर्डर इतना आसान नहीं था। केक ले लेता है, अपराधों के लिए भूतों को दोष देना ऐसा तो होता ही। सरकार ने बताया है कि ये जो भी फुटेज आप देख रहे हैं वो फेक है, महज बकवास। समाज का कलंक, ये मामला जांच कर भूत हत्यारे हत्या का आरोप लगाया जाए। घर में होने वाले छोटे मोटे हलचलों को इन्होंने भूत प्रेतों का नाम दे दिया है। वो तीनों यहाँ कभी नहीं रहे और मैंने अपने भतीजे को अस्वीकार कर दिया है। तुम्हारा दिन शुभ हो। थैंक यू। वन टू थ्री लिसन। The shit that I do it, and I'll give my last breath to prove it. See, I'm a vet when it comes to this rap love, and if it's all I have, then I'm good, bruh. Drop the track, step back and watch me do it. If you listen what I'm saying, I'll walk you through it. Shane Holmes, John Evie, all night, all day, ain't nothing to it. Who knew it? Show me how you do it. Money, the cars, the clothes, and the fame. For the love of the music is why I'm in this game. And you can ask my boy Yanivi why he doing what he doing, and how is he doing it, or why he do his thing. Yeah, you see, the money ain't a part of it. The fame, I never thought of it. The music is the soul, and the rhythm is the heart of it. Hey, so I'ma keep on rocking it, straight hood popping it. Bust a move, bust a move.